राजे उधर जाना पैसे Thank you.
सिविल ने तो ऐसे ही खींचना था, इतना पता भी नहीं था जितना आर्मी को था। आर्मी ने अपने हिसाब से बड़ी ही दर्दनाक हादसा जो है आज पेश आया है। एक कैंटर जो 2195 करके कैंटर था, जो पुखरनी दवत्ते से, जो पुखरनी से नौशहरा की तरफ आ रहा था, ये दवत्ते के पास एक खाई में गिर गया और लगभग 50 से ज़्यादा लोग जो है इसमें जख्मी हो गए और एक जो है लाल सैन उनकी डेथ हो गई है। तो मौके पर जितने भी लोग थे, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, चाहे वो सिविल डिफेंस हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सबके कोऑपरेशन से टीम वर्क हुआ है और जो अभी सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की जा रही है। इसमें कोई 7-8 पेशेंट जो हैं वो शिफ्ट भी हुए हैं और एक की मृत्यु हो गई है, बाकी अभी सिचुएशन नॉर्मल है। तो मैं सराहना करता हूं कि जितनी भी सिविल सोसाइटी है, चाहे वो सिविल डिफेंस है, चाहे वो आर्मी के लोग थे, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग थे या सिविल सोसाइटी के लोग थे, सब ने बढ़ चढ़ करके जो है इस सिचुएशन में काम किया है। तो हम उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिनको लगी है वो जल्दी ठीक होकर अपने घर जाएँ। घायल को आपकी गाड़ी यहाँ पर लेकर आई, आप क्या था? हमारी गाड़ी इनकी आई है लेकर। तो सर कितने लोगों को आप लाए और क्या मंजर था वहाँ का? मेरे पास 4 पेशेंट में लेके आया हूँ गाड़ी में। तो एक तो जो गाड़ी थी उसके ऊपर ओवरलोडिंग बहुत ज़्यादा थी, कम से कम भी 100 आदमी था उस पर, बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग। और 4 पलटे लगे हैं गाड़ी में, इतनी देर आर्मी वाली गाड़ी में आ गई, हमारी हेल्प आर्मी वालों ने बहुत ज़्यादा की। गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही थी? वो गाड़ी आ रही थी पुखरनी से नौशहरा, पुखरनी से नौशहरा की तरफ आ रही थी। लगभग कितने बंदे होंगे आपके? किसमें गाड़ी में? 100 से ऊपर था, छत भी भरा हुआ था। 100 से ऊपर कौन सी जगह एक्सीडेंट हुआ? ये द्राल में हुआ, मोड़ में। मोड़ में हुआ? हाँ, लाम से लाम चौकी पुलिस से नीचे, फिर मैंने खुद ऑन फोन किया लाम चौकी में, बताया वहाँ से पुलिस आई। किसी के साथ टकराई या खाई में नीचे जाके? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसे साइड दे रहा था, ओवरलोडिंग थी और चला गया नीचे, नीचे चला गया। और घायलों को आप यहाँ पर? घायलों को हमने काफी गाड़ियाँ और बाकी भी से हेल्प ली और डाल के आपको क्या बता सकें कितने बच्चे, कितनी महिलाएं और बुजुर्ग होंगे गाड़ी में? ये इतना तो मैं नहीं बता सकता कितने थे कितने नहीं है, लेकिन पब्लिक बहुत ज्यादा थी और जितने सीरियस थे, मैं खुद और आर्मी की हेल्प लेके हमने खुद अपने कंधों से उठा के वहां से बाहर निकाला। एक मिनी बस कैंटर जो है वो 9521 पुखरनी से नौशहरा की तरफ आ रही है और द्वाता एक जगह है किला द्राल के पास, वहाँ वो एक टर्न से नीचे चली गई खाई की में, और उसमें जो हमारे पास यहाँ जो पेशेंट रिसीव हुए हैं वो 56 हुए हैं और उनमें से एक आदमी की डेथ हुई है जिनका नाम लाल हुसैन वल्द गुलाम मोहम्मद था। वो यहाँ जो ट्रीटमेंट के दौरान उनकी यहाँ डेथ हुई है, और उसके अलावा 4 जो क्रिटिकल लोग थे उनको हमने जम्मू शिफ्ट किया और पूरा जितना भी अमला था इमीडिएटली वहाँ से उनको रेस्क्यू करके जितने भी इंजर्ड थे वहाँ यहाँ SDH नौशहरा में पहुँचाया गया और यहाँ उनका उपचार चल रहा है। और आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि पूरे एडमिनिस्ट्रेशन या मेडिकल के जितना भी अमला था वो अलर्ट पहले ही कर दिया गया था जैसे ही हमें खबर मिली थी, और खुद मैंने और एडिशनल SP साहब यहाँ उसका पूरा मुआयना कर रहे थे कि लोगों का ट्रीटमेंट, और आपको आश्वस्त करते हैं कि इनको बेहतरीन से बेहतरीन यहाँ ट्रीटमेंट हम देंगे। और जिस सिचुएशन होगी अगर कि और क्रिटिकल हैं तो उनको फर्दर हम रेफ़र करेंगे जम्मू। तो बाकी डिटेल जो हैं वो इन डिटेल में आपको शाम को शेयर कर दूंगा कि कितने लोग यहाँ और क्रिटिकल जम्मू में शिफ्ट किए हैं, कितने डिस्चार्ज किए हैं। ठीक है, क्या कारण रहा होगा सर हादसे का कारण क्या? देखिए इसके लिए तो अब जांच ही बताएगी कि क्या कारण रहा था, इन लोगों की स्टेटमेंट्स होंगी, FIR तो इसमें लॉज होगी, पुलिस ने रजिस्टर भी कर ली होगी और जांच के दौरान में सब तथ्य बाहर आ जाएंगे। तो माना जा रहा है ओवरलोड था गाड़ी में? देखिए वो तो मैंने आपको कहा ना कि ये जांच का विषय है कि अगर 56 लोग हमने रिसीव किए हैं तो कैंटर की कितनी कैपेसिटी हो सकती है, ये सब जांच में बाहर आ जाएगा।